हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पे, माँ ब्यूटी विद मी। तो चलिए, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। क्या होता है कि आप पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, फिर आपको बातें समझ में नहीं आती हैं, फिर आप कुछ और सोच लेते हैं और फिर कमेंट मुझे कुछ और आ जाते हैं। प्लीज उसको पूरा देखा कीजिए, इससे आपको समझ में आएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। मैंने अपना जो वीडियो डाला था, प्रीवियस मतलब उसके पहले जो एक डाला था वीडियो, कि आपकी छाइयों के लिए और या कोई भी दाग धब्बे जो आपके चेहरे पे हैं उसको कैसे रिमूव करें, उसके लिए मैंने वीडियो डाला है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है। पहले मैं बता दूं कि अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो आपका कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं आप डॉक्टर के पास जाके कराते हो? अगर आप पॉजिटिविटी से चल रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब लेके चल रहे हैं अपने अंदर, तो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। अगर नेगेटिव सोच है, थॉट है, तो उसको रिमूव कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। वो आपके लाइफ में आपको नीचे ले जाता है, कभी ऊपर नहीं ले जाता है, कभी भी आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जाता है। अगर मेरी सोच ही रहेगी कि मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, कुछ भी कर लूं, तो फिर नहीं दिखूंगी, क्योंकि वो तो अंदर से ही मेरे वाइब आ रहा है, मेरे ही अंदर से। और इससे क्या होता है, हम अपने आप को ही धीरे 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 बहुत गंदा कर लेते हैं। गंदा इन द सेंस कि मतलब अपने आप को, अपने चेहरे को, अपने शरीर को बहुत ही बिगाड़ लेते हैं। तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। अगर वाकई आपको अच्छा दिखना है तो पॉजिटिव वे में हर चीज़ लीजिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो बातें हुई। उस वीडियो में मैंने ड्रिंक के बारे में बोला था, वो ड्रिंक आज मैं इस वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। तो पहले आप लोग उस ड्रिंक को देख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ कि क्या क्या करना है आपको। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक चुकंदर यानी बीटरूट लिया, उसका 1/4 भाग मैंने कट किया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक गाजर लिया है, उसका आधा मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ मुझे ही पीना है। अगर आपको 4-5 आदमी को पीना है तो फिर ये सब पूरा लीजिएगा, कट कर लेंगे। मैंने हाफ टमाटर लिया है, आधा गाजर, आधा टमाटर, 1/4 के करीब मैंने बीटरूट लिया है उसमें। अगर आप कच्चा पालक नहीं डालना चाहते हैं तो आप पालक को थोड़ा सा स्टीम दे दीजिए और वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कच्चा ही ऐड करूँगी। और यहाँ पे अगर आपके पास अनार है तो अनारदाना ज़रूर कुछ डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब मैं इन सबको एक छोटे से जार में, अगर आपके पास बड़ा है तो बड़े जार में भी कर सकते हैं, और इसका एक पेस्ट बना लूँगी मैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और जो बचा है गाजर आधा, मैं उसको खा जाऊंगी, क्योंकि ये सब खाना हेल्दी होता है। देखिए, ये पेस्ट बन चुका है, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके पेस्ट बनाया है। अब मैं इसको एक छन्नी लूंगी और छन्नी में छान लूंगी। अगर आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं तो आप ऐसे ही खाइए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको छन्नी से छानना चाहिए, क्योंकि ऐसे खाएँगे तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे उस चीज़ से। तो इसमें पानी, अच्छे से पानी हम डालेंगे और डाल के एकदम पूरा इसका जितना भी जूस होगा इसके अंदर सारा निकालेंगे हम छन्नी से, देखिए। और जो बचेगा उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे। 4-5 दिन का जब हो जाएगा तो इसमें आलू को बॉईल करके डाल के इसका टिक्की बना लेंगे, या इसको बेसन में लपेट के डीप फ्राई कर लेंगे, पकौड़े बन जाएंगे, वो भी एक डिश हो जाएगा, या आटे में गूंथ लेंगे और पराठे बना लेंगे। तो आप इसको फेंकिएगा मत उस चीज़ को। और देखिए, ये जूस रेडी हो चुका है, मैंने ग्लास में निकाल लिया है। और अब मैं आपको इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन नींबू डालना मत भूलिएगा, और नमक। और इसमें फिर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ जीरा और नींबू। ये सब ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और इसको एवरी मॉर्निंग, मतलब
हर रोज़ पियेंगे, आप पी के देखिए और एक फेस पैक लगा के देखिए अपने चेहरे पे। मानिए अगर पपीता आपके पास हो तो पपीता भी ऐड कर सकते हैं, आपके चेहरे पे निखार आएगा। लोग पूछेंगे कि आप क्या लगाते हैं, खाना तो पूछते ही नहीं है लोग। उम्मीद करती हूँ कि ये ड्रिंक आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया और समझ भी लिया, अब मैं उस ड्रिंक के बारे में बताऊँ। तो वो ड्रिंक ये है देखिए, और ये मैं आप लोग के सामने ही पीऊंगी। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ दिखावे के लिए ड्रिंक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब जब मैंने इसको अपने डाइट में लिया है, मॉर्निंग ड्रिंक में लिया है, मुझे रिजल्ट मिले हैं। और मुझे मिले हैं वो मैंने तो फील किया है, दूसरे लोगों ने बोला है मुझे कि क्या कर रही हो, क्या लगा रही हो। सबने, किसी ने नहीं पूछा कि क्या खा रही हो, सबने पूछा क्या लगा रही हो। यही तो हम लोग गलती करते हैं, हम लोग को पूछना चाहिए क्या खा रही हो, क्या पी रही हो। जब तक हम अंदर अच्छे से नहीं कुछ खाएंगे तो मेरे चेहरे पे कैसे दिखेगा। हम ऊपर से कितना भी अप्लाई कर लें, कोई भी मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, नहीं काम आता है। तो ये ड्रिंक दो तरह का है, जैसे अगर आप इसको छन्नी से छान के पीते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत लोग नहीं पी पाते हैं विदाउट मतलब छाना हुआ, तो आप छन्नी से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे कर लीजिए। अगर आप पी सकते हैं बिना छाने हुए तो आप पी लीजिए, फिर आपको वो जो बच जाता है उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप छन्नी से छान के पीजिए, इसलिए कि बहुत लोग नहीं पी पाते हैं। फिर क्या होगा, ड्रिंक रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो आप जल्दी हमेशा कर सकते हैं, नहीं तो एक दो दिन में उब जाएंगे। आप बोलेंगे कितना बैठ के खाया जाए, कैसे पिया जाए स्मूदी की तरह, तो नहीं होता है। तो आप ड्रिंक फॉर्म में ही लीजिए ड्रिंक को। अगर आप रोज पियेंगे, और मैंने जो बोला कि मास्क रोज लगाएंगे, मैं आपसे बोल रही हूँ कि फर्क दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो प्लीज आप लोग से मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आप हैप्पी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए लाइक दैट, और अच्छा सोचिए। जो आपके अंदर दुख चल रहा है उसको भी दूर कीजिए, और हैप्पी रहने का कोशिश कीजिए, खुश रहने का कोशिश कीजिए। जितना हो सके छोटी छोटी चीज़ों से भी आप खुश रहिए, अपने आप को फील करिए कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे भगवान ने बनाया, और भगवान कभी भी कोई चीज़ बुरी बनाते ही नहीं है, ऐसे सोचिए। अगर आपको पैसे का कष्ट है तो ये देखिए ना, जो रोड पे सो रहे हैं, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आप भूखे नहीं हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके पेट में आपको खाने के लिए भरपेट खाना मिल रहा है, आपको आपको ये लगता होगा कि हम बहुत दुखी हैं, नहीं। आप उनको देखिए जो रोड पे जाके सोते हैं, रोड पे सोते हैं, जाइए रात को, निकलिए, देखिए रोड पे सोते हैं, उनके पास ना कोई रजाई है, ना बहुत बड़ा कंबल है, कोई दे देता है तो उसके सहारे रहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या उनसे गरीब हैं, नहीं ना, तो फिर क्यों आप दुखी होंगे, बिल्कुल दुखी मत होइए। तो ये ड्रिंक आप अपने इस, मैंने इतना लेक्चर इसलिए दिया कि आप प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिए, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और उसके साथ मेरा जो वो वीडियो है उसको फॉलो कीजिए, और उसमें मैंने बताया था इसी ड्रिंक को, और इस ड्रिंक को रोज़ आप पीजिए। मानिए आप फील करेंगे ही करेंगे, दूसरे लोग भी बोलेंगे कि क्या लगाती हो, खाती हो, छोड़ दीजिए। और मास्क एवरी डे, एक फेस पैक आपको एवरी डे लगाना है, कोई भी आपके ऊपर जो सूट करता। तो देखिए, मैंने इसीलिए बोला कि छन्नी से छान के करेंगे तो आप रोज पी सकते हैं, टेस्ट खराब नहीं है, बहुत अच्छा है लेमन डालने के बाद, तो आप रोज पी सकते हैं। अगर आप उसमें अगर ऐसे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन दो तीन दिन बाद आप उब जाएंगे। तो प्लीज़ ये ड्रिंक आप लोग शामिल कीजिए, अभी विंटर सीजन चल रहा है, सब्जियां थोड़ी थोड़ी सस्ती होंगी, तो प्लीज़ उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो भी आपके अंदर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिस चीज़ की कमी है सारा पूरा कीजिए, और अपने चेहरे को चमकाइए, अपनी सोच को भी अच्छा रखिए। आप नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पूरा एकदम छोड़ दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए,
आपके घर में भी हैप्पीनेस रहेगा और आपकी लाइफ में भी, आपके चेहरे पे भी वो दिखेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा में अवेलेबल हूँ। बहुत कमेंट ये भी आते हैं मुझे, कम टू द पॉइंट, आप बहुत बकबक करते हैं। तो प्लीज़ मेरा काम ही है शायद बकबक करना, अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बिना बोले मेरे समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं बोलना बंद कर दूँगी और साइलेंटली आपको समझाऊँगी। मुझे तो टेस्टी लग रहा है मुझे वैसे भी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं यही बताने के लिए ये ड्रिंक कैसे बनता है मैं इस वीडियो को लेके आई, और ये बताने के लिए कि प्लीज़ आप लोग नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, खुशियाँ मतलब ढूंढिए, आप हैप्पीनेस को ढूंढिए। हैप्पीनेस ढूंढना नहीं जाता है, आपको लाना पड़ेगा। आप ये कहीं यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता, आपके अंदर है उसको निकालिए। जो आपके अंदर सैडपन है, जो दुखीपन है, उसको बाहर फेंक दीजिए, कह दीजिए नहीं आना है तुमको हमारे घर, ये सब करिए। यकीन मानिए आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। मैं बहुत बड़े बड़े शब्द यूज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बहुत सिंपल में मैं बोलती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा, ये ड्रिंक बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।